अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो है हमारे पास समर पैक ग्रेड 3 सब्जेक्ट कंप्यूटर। द फर्स्ट टॉपिक इज फाइंड द इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग दैट गोज टुगेदर, नंबर देम विद सेम नंबर। जैसे आपके पास इनपुट है, इसमें फर्स्ट ब्रेड को दिया हुआ है नंबर 1। अब आपने देखना है ब्रेड का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है जिसको हम अगेन नंबर 1 देंगे और फिर उसकी आउटपुट क्या है। अब यहाँ पर ब्रेड के बाद मैंने क्या किया है, टोस्टिंग पे नंबर 1 किया है क्योंकि ब्रेड टोस्ट होगी एंड देन आपके पास टोस्ट ब्रेड आ जाएगी, तो हमने इसको 1 1 1 कर दिया। सेकेंड आपके पास ऑरेंज, इसके बाद 2 नंबर मैंने ब्लेंडिंग को दिया है, ऑरेंज जूस ब्लेंड होगा। अगेन ऑरेंज जूस जब आपके पास रेडी हो जाएगा ग्लास में तो वो अगेन उसका आउटपुट होगी। नंबर 3 आपके पास डो बन रही है, डो को हम दोबारा बेक करेंगे और उसके बाद हमारे पास पिज्जा रेडी हो जाएगा। हमारे पास वाटर है, इसका प्रोसेस जाएगा कि वो फ्रीज होगा और आउटपुट आएगी कि आपके पास वो आइस क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास राइट इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग इन करेक्ट ऑर्डर। नंबर 1 है आपके पास पानी, है आपके पास इनपुट, आपने उसको बॉईल किया है, प्रोसेस है, और आउटपुट है आपके पास कि आप उसको टी पैक के अंदर डाल के उसको चाय बना रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास कपड़े बास्केट में है, गंदे इनपुट है, आपने उसे वॉशिंग मशीन में डाला, वो प्रोसेस हुए, आउटपुट वो धुल गए। नेक्स्ट आपने रॉ पोटैटोज लिए हैं, वो इनपुट है, प्रोसेसिंग किया मीन्स उसको फ्राई किया, आउटपुट आपके पास क्या आई, फ्राइज बन गए। इनपुट है आपने मैंगोज लिए हैं, प्रोसेसिंग है आपने उसे ब्लेंडर में डाला है, आउटपुट है आपके पास मैंगो जूस रेडी हो गया। नेक्स्ट विच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बिलो, प्रेसिंग वर्क कीज फ्रॉम कीबोर्ड इज बेसिकली इनपुट। आप जब कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करते हो तो क्योंकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है तो वो इनपुट का जो है ना वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। पिक्चर प्रिंटेड बाय पेपर, आप कोई भी चीज पिक्चर्स प्रिंट कर लो, प्रिंटर क्योंकि आउटपुट डिवाइस है तो जो चीज उसमें से रिसीव होगी वो आउटपुट होगी। इसी तरह से जब आप पेपर्स पे पिक्चर्स प्रिंट करते हो तो वो आउटपुट है। वॉचिंग कार्टून्स, अब वो कार्टून्स आप मॉनिटर पे या किसी स्क्रीन पे देख रहे हो तो मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस, इसलिए ये आउटपुट का टास्क परफॉर्म हो रहा है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्पीकर, स्पीकर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस, इसलिए ये भी फंक्शन आउटपुट है। पिक्चर स्कैन्ड बाय स्कैनर, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, वो स्कैन करके आपके पास सिस्टम को देता है मटेरियल, इसलिए ये इनपुट का फंक्शन है। नेक्स्ट है आपके पास विच टाइप ऑफ डिवाइस आई एम एंड व्हाट इज माय नेम। फर्स्ट डिवाइस इज हेडफोन, हेडफोन इज बेसिकली आउटपुट डिवाइस बिकॉज ये आपके पास साउंड आपको प्रोवाइड करता है तो वो आउटपुट दे रहा होता है। नेक्स्ट है आपके पास कैमरा, कैमरा इज बेसिकली इनपुट डिवाइस क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करके सिस्टम को मटेरियल प्रोवाइड करेगा। यूएसबी, यूएस बेसिकली ए स्टोरेज डिवाइस जिसमें आप अपनी इनपुट आउटपुट सब कुछ स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क इज ऑल्सो अ स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट वन इज प्रिंटर, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज टू प्रिंट पिक्चर्स फाइल्स और मटेरियल ऑन पेपर। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इट टेक्स इनपुट्स फ्रॉम यू, इट यूजेस सम प्रोग्राम्स to process these inputs, finally delivers output as per your requirement. Computer आपके पास एक ऐसी electronic device है जो input devices के through आपसे input लेता है, जैसे keyboard से, उसके बाद उसके कुछ processing apply करता है। For example, आपने कुछ computations apply करनी है numerical, आप keyboard से values enter करोगे, वो उस पर processing apply करेगा और final आपको result show कर देगा। What is CPU? Write its function in computer. CPU is basically stands for Central Processing Unit. It is considered as the brain of the computer.
सीपीयू आपके पास सारे प्रोसेसिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे आपको कोई डाटा स्टोर करना है, आपको कुछ रिजल्ट्स चाहिए, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, और ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के जितने ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उन सबको भी कंट्रोल करता है। एक्सप्लेन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट विद एन एग्जाम्पल। अ कंप्यूटर रिसीव्स एन इनपुट, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, दैट परफॉर्म्स एन आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है मोबाइल फोन से। इनपुट क्या है? मैं मैसेज टाइप करूंगी और प्रोसेस सेंड पे प्रेस कर दूंगी। प्रोसेस क्या है? फोन का हार्डवेयर चेक किया जाएगा, नेटवर्क देखा जाएगा कि कनेक्टेड है या नहीं, सिग्नल्स आ रहे हैं या नहीं, और वो मैसेज सेंड हो जाएगा। आउटपुट क्या है? कि मैसेज रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके पास ये डायग्राम है, इसमें अगर आप देखें, आपने कुछ स्कैन किया, आपने इनपुट दी, प्रोसेसिंग अप्लाई हुई और देन वो प्रिंटर से प्रिंट हो गया। आपने कैमरा से कुछ रिकॉर्ड किया, माइक्रो प्रोसेसर के पास आया, उसने उसको ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई की, आउटपुट आ गई मॉनिटर पे। आपने कुछ रिकॉर्ड किया है, आप वो जो है ना वो प्रोसेस के बाद स्पीकर पे सुन लेते हैं। तो इस तरह से इनपुट डिवाइसेस इनपुट देती हैं, माइक्रो प्रोसेसर उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई करता है, और आउटपुट डिवाइसेस आपको डिस्प्ले देती हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। द फर्स्ट पिक्चर, एयरपोर्ट्स। कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट एयरपोर्ट्स, एट रेलवे स्टेशन, एट होटल रिसेप्शन, बैंक, ऑफिस एंड इंडस्ट्री। लुक एट द पिक्चर्स, नेम ईच डिवाइस एंड ऑल्सो राइट इट्स प्रॉपर्टीज अलोंग इन्वेंटर नेम। द फर्स्ट वन इज यूनिवेक। यूनिवेक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आपके पास यूनिवेक में यूज हुए थे ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़े थे, बहुत जल्दी हीटअप हो जाते थे, एयर कंडीशन रूम उसके लिए चाहिए होता था, अदरवाइज इट विल बर्न आउट। उसकी जगह आपके पास आए ट्रांजिस्टर्स, जो कि लेस हीट प्रोड्यूस करते थे एनिक के कंपेयर। ट्रांजिस्टर्स वाज मच रिलायबल देन वैक्यूम ट्यूब एंड कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी। यूनिवेक वाज बिल्ट स्पेशली फॉर यूनाइटेड स्टेट सेंसस ब्यूरो। देन अबेकस, चाइनीज इन्वेंटेड अबेकस। इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग एंड काउंटिंग डिवाइस ओवर 4,000 ईयर्स अगो। अबेकस को एक वुडन फ्रेम के थ्रू बनाया गया था, जिसमें बहुत सारी रोड्स और बीड्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल, आपने कुछ किसी को दिया है, आप बीड्स को एक साइड पे मूव करते हैं, आप वो दोबारा काउंट करके वापस लेना चाहते हैं, तो जितने बीड्स आपने एक साइड पे मूव किए थे उन्हें दोबारा दूसरी साइड पे मूव करें और काउंट करके वापस ले लें। एनीएक, एनीएक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इट वाज डिजाइन्ड बाय एकर्ड एंड मॉकले इन 1946। एनीएक में वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस थी, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, इसके लिए स्पेशली आपके पास एयर कंडीशन रूम होना चाहिए, बहुत जल्दी हीट अप हो जाती थी, जिसकी वजह से ये जल भी जाता था। इसके अंदर आप सिर्फ 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे, डी मैस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इट कुड परफॉर्म 5,000 एडिशंस इन 1 सेकेंड। इट वॉज वेरी लार्ज इन साइज एंड यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। IBM PC. PC stands for personal computer. It was developed by William C. Lowy in 1981 at IBM. इसमें ट्रांजिस्टर्स की बजाय इंटीग्रेटेड सर्किट की टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, विच इज कॉल्ड IC. ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ द मॉडर्न एरा आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी और द ओरिजिनल पर्सनल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, मैच पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट विद इट्स फंक्शन। द फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, चूंकि आपके पास सेकेंड साइड पर सेकेंड लास्ट है। नेक्स्ट वन इज VGA कार्ड। इट इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। द नेक्स्ट वन इज CD-ROM. CD-ROM
CD-ROM is used to read CD. The next is power supply, used to supply correct amount of electricity. The last one is RAM, it is also called volatile memory. Label the following pictures by using correct name. The first one is hard disk. इसके अंदर आप हार्ड डिस्क इंसर्ट करते हो, इसके ऊपर हेडर लगा होता है जो कि रोटेट होता है और आप डेटा स्टोर कर सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो. रैम, रैम आपके पास वॉलेटाइल मेमोरी है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं. द नेक्स्ट वन इज पावर सप्लाई, इसके अंदर आपके पास फैन इंसर्ट होता है और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है आपके बाकी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी या सिस्टम हीट अप हो जाता है तो यहाँ से फैन चलना शुरू हो जाता है जो कि इसके टॉप पे है. देन मदरबोर्ड, द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, इसके अंदर आपके पास सारे सर्किट्स इंसर्ट होते हैं. द नेक्स्ट इज ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड के थ्रू आपके पास जितनी डिस्प्ले आ रहा होता है, आपके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स आ रहे होते हैं स्क्रीन पे, आप वीडियोस देख रहे होते हैं, ये सब कुछ ग्राफिक कार्ड की वजह से है. देन CD-ROM, CD-ROM जिसके अंदर आप CDs इंसर्ट करते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.